चमकता हुआ नजर आया, एटलीस्ट ओ नाइट क्यूज के हिसाब से। टीसीएस पहला, इसको मैंने ग्रीन में रखा है, हालांकि ध्यान रखिएगा यूएस में ग्रोथ स्टॉक्स को लेकर कंसर्न्स है, ग्रोथ स्टॉक्स की पिटाई, नैसडैक में दबाव था, पर हमारे अभी वैसे आईटी का कोई परफॉर्मेंस नहीं था। कल टीसीएस आउट परफॉर्म कर रहा था जब बाकी आईटी मेजर्स दबाव में थे। टीसीएस क्योंकि इन सब के बीच का एक रैंक अंडर परफॉर्मर रहा। टीसीएस को कल सुबह मैंने अपडेट लिया था, टीम में रखा भी था, 1.25% के गेंस मिले हमें। टीम में इसलिए रखा था कैनेडा के से ऑर्डर बैक हुआ था। अब कैंसास डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से एक और अपडेट है कि वो कहने के लिए इनके लिए होता है वो टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, पर ये बेसिकली ऑर्डर मिला हमारी देसी भाषा में, तो इनको ऑर्डर मिला है कैंसास डिपार्टमेंट से। लिगेसी जो मेंटेनेंस प्लेटफॉर्म था इनका, मेन फ्रेम का प्लेटफॉर्म था, उसको अब ये अपडेट करते हुए नजर आएंगे, क्लाउड बेस्ड सिस्टम में तब्दील करते हुए नजर आएंगे। तो इनके लिए वो टेक्नोलॉजी का किकर जो है वो टीसीएस प्रोवाइड करता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है टीसीएस को आज फिर रडार पे रखेंगे हम लोग। पहले देखिएगा ग्रोथ स्टॉक्स में थोड़ा सा अगर म्यूटेड परफॉर्मेंस आएगा तो टीसीएस शायद लो लेवल्स पे अच्छा एक्युमुलेशन बन जाए, पर आप क्लोजली वॉच आउट करिए, अपनी स्टडीज करिए प्लीज। कोल इंडिया दूसरा स्टॉक, अभी इन्होंने बात छेड़ दी, यूरोपियन कमीशन ने प्रपोज करा है रशिया के कोल उस पे सैंक्शंस लगाए। ये नए राउंड ऑफ सैंक्शंस के अंतर्गत है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब तक यूरोपियन यूनियन के कई सारे देश जो है तैयार नहीं हो रहे थे इस कच्चे तेल पे, कोयले पे, गैस पे एडिशनल सैंक्शंस लगाने के लिए, क्योंकि कई सारी ज्योग्राफीज इंक्लूडिंग दिग्गज जर्मनी का ये मानना है कि लगाओगे तो आप उन पे वाट लगेगी हमारी, आसान शब्दों में तो ये हमारे लिए वाला दिक्कत हो जाएगी। तो अब वो कोल का इंक्लूजन उस सैंक्शंस में, कोयल की कीमतें बढ़ती हुई, कोल इंडिया को रखी रडार पे, ये सिर्फ एक सेंटिमेंट पॉजिटिव है समय पर। कोल इंडिया जितना भी एक्सपोर्ट करेगा उसका फायदा मिलना है, रियलाइजेशंस इंप्रूव होंगे, कितना कर सकता है एनीबॉडीज गेस, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव, इसलिए मैंने वर्ड यूज करा। दो स्टॉक लाल में रख के चल रहा हूं, पहला बैंकिंग थोड़ा सा आज दबाव में रह सकता है, कल वो देख लिया अंश, अब वो HDFC बैंक पे वीकनेस और बढ़ेगी तो बैंकिंग और दबाव बना देगा, पर वो अब